दोस्तों जय माता दी। दोस्तों दीपावली पंच दिवसीय पर्व है। कल हमने धनतेरस क्यों मनाया जाता है, मनाने की विधि तथा धनतेरस पर क्या क्या सामान खरीदना शुभ रहता है जिससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है चर्चा की थी। आज हम नरक चतुर्दशी जो कि दीपावली के पंच पर्व में दूसरे दिन तथा दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। नरक चतुर्दशी को काली चौदस, रूप चतुर्दशी, छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे नरक से मुक्ति पाने वाला त्यौहार कहते हैं। नरक चतुर्दशी को यम की पूजा की जाती है तथा दीपदान भी किया जाता है। इस दिन पितरों की पूजा भी की जाती है। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर पर जीत के सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है। अपनी मृत्यु से पहले नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा से प्रार्थना की थी कि उनकी मृत्यु को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाए। दूसरी मान्यता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौदस को हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए इसे हनुमान जयंती की रूप में भी मनाया जाता है। हनुमान जयंती वर्ष में दो बार मनाई जाती है, पहली चैत्र मास की पूर्णिमा को तथा दूसरी बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौदस को मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। रंतिदेव नाम के एक राजा हुए जो कि महाप्रतापी, दयालु तथा शीलवान थे। उन्होंने अपने राज्य में किसी के भी साथ बुरा नहीं किया था तथा ना ही किसी को कोई कष्ट या हानि पहुंचाई थी। हमेशा वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही काम करते रहे तथा गरीबों को दान दक्षिणा भी देते रहते थे। जब उनकी मृत्यु का दिन आया और यम उन्हें लेने के लिए आए तो उन्हें पता चला कि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें नरक मिला है। राजा ने जमराज से कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया तथा ना ही किसी के साथ बुरा किया है, तो फिर उन्हें नरक क्यों मिला। तब यम ने उन्हें बताया कि एक बार उनके अज्ञान के कारण एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखा चला गया था, इस कारण उनको नरक मिला है। राजा ने यम से प्रार्थना की कि उनकी आयु एक वर्ष बढ़ा दी जाए ताकि वो अपनी करनी में सुधार कर सकें। यम ने उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए उनकी आयु एक वर्ष बढ़ा दी। राजा ने अपने गुरु को सारी बात बताई तथा प्रार्थना की कि वो उन्हें इसका उपाय बताएं ताकि वे मोक्ष को प्राप्त कर सकें। गुरु जी ने राजा को सलाह दी कि वो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथासंभव दान दक्षिणा दें तथा ब्राह्मणों से क्षमा मांगें और उनका आशीर्वाद लें। राजा ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने बताया था। सब ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिए। इसके बाद राजा रंतिदेव को मोक्ष मिला और वो दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौदस का दिन था, इसलिए इस दिन को नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी की पूजा विधि। सूर्य उदय से पहले तेल के तिल की मालिश कर स्नान करें।
चंदन का लेप लगाकर या उपटन लगाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात इत्र लगाएं, सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा सूर्य भगवान की पूजा करें। रूप के देवता भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करें, यम देव की पूजा करें, इससे सब पापों का नाश होता है। बजरंग बली हनुमान की पूजा करें तथा हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करें। सूर्यास्त के बाद घर में 11 दीपक जलाकर उन्हें मुख्य द्वार पर, रसोई में, बाथरूम में, नल, तुलसी, कुएं इत्यादि पर रखें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। एक कांटे का दीपक बनाएं तथा उसमें कलावे की बत्ती लगाकर उसमें सरसों का तेल भरकर ये दीपक जम के नाम से जलाएं और उसे घर की दक्षिण दिशा में रखें और अगले दिन इस दीपक को फेंक देना चाहिए। इस दिन पितरों की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन 14 दीपकों का दान करना चाहिए। दोस्तों, हमारी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि ये दिवाली पर आपके परिवार में सुख शांति तथा समृद्धि आए और आपका परिवार स्वस्थ रहे। दोस्तों, कल हम दीपावली पर चर्चा करेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, उसकी पूजा विधि पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट जरूर करिए। जय माता दी।